बहुत ही मशहूर शेफ हैं। आए दिन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में आपकी फोटो आती है, टीवी में आपके इंटरव्यू आते हैं, आपके हाथ का खाना खाके तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ओ शुक्रिया जी, शुक्रिया। वैसे ये सारा श्रेय मेरी बीवी को जाता है। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है। वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो मतलब आपको खाना बनाना आपकी बीवी ने सिखाया है? ओ नहीं जी नहीं, उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, इसलिए घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था और देखते देखते मैं कुकिंग में एक्सपर्ट बन गया। बढ़िया है, बढ़िया है। बट ये जो आपके मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में फोटो छपती है, रेसिपीज की फोटो आती है, उन्हें देखकर तो मुंह में पानी ही आ जाता है। जी जी। बट जब हम रेसिपीज बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ और ही बन जाता है। हलवा बनाने जाते हैं तो खीर बन जाती है, और ब्रेड बनाने जाते हैं तो केक बन जाता है। जी ऐसा है, कुछ डिशेज सिर्फ फोटोजेनिक ही होती है। मतलब उन्हें खाना नहीं चाहिए। और कुछ डिशेज ऐसी भी होती है जिनकी फोटोज अच्छी नहीं आती लेकिन स्वाद जबरदस्त होता है। जैसे कि दाल, साग, बैंगन का भुट्टा। अच्छा जी। बट एक चीज और बताइए, आपका मेन्यू काफी लंबा चौड़ा है, कुल मिला के 25 से 30 डिशेस हैं। इतने कम समय में इतनी तरह की डिशेस कैसे बनाते हैं? जी ऐसा है, हम सुबह सुबह एक प्याज टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं, फिर अगर कोई मटर पनीर मांगता है तो उसमें पनीर डाल देते, और कोई चिकन मसाला मांगता तो उसमें लेग पीस डाल देते। एक सब्जी का स्वाद दूसरी सब्जी से अलग कैसे करते हैं? ओ जी ऐसा है, प्राइस अलग अलग कर दो, स्वाद का फर्क पड़ ही जाता है। 20 रुपए वाले का अलग और 120 वाले का अलग। नो 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 नो।